लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बिजली कॉन्ट्रैक्टर पिछले कई महीनों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पास अपनी गुहार लगा रहा है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि उसने मकान का प्रॉपर्टी ब्रोकर से सौदा किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये सौदा टूट गया और इस मामले में दबाव बनाकर 7 लाख रुपए ऐंठ लिए गए, जो उसे वापस नहीं दिलवाए जा रहे हैं। इस मामले में सूर्यवंशी ने कलेक्टर पी नहरेरी और DIG हरिनारायण चारी मिश्र से भी गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि इन अफसरों के दखल के बाद भी अब तक लसुड़िया थाना पीड़ित की मदद नहीं कर रहा है। मामला ये है कि मैंने 2012 में अजय ठांडे और यशवंत राव ठांडे को मेरा मकान बेचा था। मेरे साथ छल कपट करके उनने और 4/6/2016 को थाना लसुड़िया में बंद करवा दिया था, मुझे भी और मेरे लड़के को भी, और पत्नी को और बच्चों को बंद कराने की धमकी दी थी आड़ी कांगड़ वाले। जबरदस्ती अजय ठांडे और यशवंत ठांडे को राजनीति दबाव में हमसे 7 लाख रुपये ले लिए और हमको एक शपथ पत्र भी लिख के दे दिया कि हमने इनसे 7 लाख रुपए लिए, जबकि 7 लाख रुपए देने ही नहीं थे। मंगलवार रात बाइक सवार एक युवक को जमीन विवाद के चलते उसके मामा और मौसा ने गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जैसे हमें 108 सूचना मिली राजेंद्र नगर थाने पे, तो एबी रोड पे आवासा रेसिडेंसी के पास बाइक सवार किसी युवक को किसी अज्ञात व्यक्ति ने मतलब गोली मारी उसको, तो मौके पर हम उसको वहाँ पहुँचे आवासा रेसिडेंसी, तो बहुत ही गंभीर अवस्था में वो हमें मिले, तो उनको हमने एम्बुलेंस के अंदर लिया 108 के अंदर और प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर ने बहुत गंभीर स्थिति बताया, जिसके चलते MI रेफर किया है। डॉक्टर की पर्ची के बगैर गर्भपात की दवाई देने पर कलेक्टर पी नहरी ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर एक मेडिकल को सील करने की कार्रवाई की। 2 दिन पहले राजेंद्र नगर क्षेत्र से लापता हुई 1.5 साल की बच्ची मिल गई है। बच्ची को पुलिस ने उसके परिजन को सौंप दिया। अब पुलिस बच्ची के रिश्तेदार से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर बच्ची वहाँ पहुँची कैसे थी। बरामद कर ली गई और उसको पेरेंट्स को सपोर्ट कर दिया गया। अभी जो प्राथमिक जानकारी है कि वो बच्ची उसी की पर्ची जो है उनके पास चली गई थी, पायल नाम है उसका, 1.5 वर्ष की है, वो फिर वापस मिल गई।